किसी उम्मत को अजान नहीं मिली, हमें अजान मिली। किसी उम्मत को अजान नहीं मिली, हमें अजान मिली। और मुअज्जिन क्या चीज है? मुअज्जिन को कब्र की मट्टी नहीं खा सकती। ला युदव्वज़ु फी क़ब्रिही, बादशाहों को, डॉक्टरों को कीड़े खाएंगे, या लोगों को खा रहे हैं ना, कीड़े इनको खाएंगे। ताजर, जिम्मेदार, काश्तकार, बादशाह, हाकिम, महकूम, कीड़े इनको खाएंगे। और मुअज्जिन जब कब्र में आता है तो कब्र की मट्टी को हुक्म दे दिया जाता है, हाथ नहीं लगाना, मेरे आवाज का बुलंद करने वाला था। ला युदव्वज़ु फी क़ब्रिही, मुअज्जिन को कब्र की मट्टी नहीं खा सकती। और बताऊं, सबसे पहले क़यामत के दिन हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कपड़े पहनाए जाएंगे, फिर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहनाए जाएंगे, फिर तमाम नबियों को पहनाए जाएंगे, फिर अजान देने वाले को पहनाए जाएंगे, फिर मुअज्जिन पहनेगा। ये इज्जत इस उम्मत को मिली। पहली उम्मत में तो अजान नहीं थी, कोई घंटियां बजाता था, कोई बंसरी बजाता था, कोई आग जलाता था। इस उम्मत को अल्लाह ताला ने अजान अता फरमाए। पहला मुअज्जिन बिलाल बना, अतवालो आनाकन, सबसे ऊंचे मकाम पर मुअज्जिन खड़ा होगा। हज़रत उमर फरमाया करते थे, अगर मैं अमीरुल मोमिनीन न होता तो मैं मुअज्जिन होता। आपने अजान के फजाइल बयान किए, हज़रत उमर कहने लगे, यार रसूलल्लाह मालूम होता है हम तो अजानों पर लड़ेंगे फिर अजान देने के लिए। आपने कहा, नहीं उमर, एक जमाना आएगा लोग अजान देने में शर्म महसूस करेंगे और छोटे लोगों को अजान पर मुकर्रर किया करेंगे कि मैं तो बड़ा आदमी हूं, ये अजान दे, ये छोटा आदमी है। मज़ीद ऐसे वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए।